अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम आम तौर पर अपने अपने घरों में सभी बनाते हैं। और मैं अपनी तरह की ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ आपके सामने, क्योंकि हर घर का तरीका सबका अलग होता है, मेरा भी तरीका शायद आपसे अलग हो, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इस रेसिपी के लिए जो मैंने चीज़ें चाहिए हैं, जो मैंने ली हुई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और उन्हें इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू को भी मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है, करीब 2 बड़े आलू लेकर मैंने काटे हैं। और इन्हें भिगोया मैंने इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंगन और आलू फ़ौरन काले पड़ने लग जाते हैं अगर हम पानी में ना भिगोएं। यहाँ पर मैं और चीज़ें दिखा देती हूँ। मसालों में मैंने यहाँ लिया है नमक, नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लिया है। यहीं पर टर्मरिक पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून हीपफुल। यहीं पर मैंने रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। यहीं पर कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने यानी कि धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून हीपफुल। यहाँ पर मैंने अचारी मसाला लिया है जो मैंने आपको बनाना पहले भी सिखाया हुआ है, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून। यहीं पर अचार रखा है, ये हमारे घर का बनाया हुआ अचार है, आप चाहें तो बाज़ार का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 1 टेबल स्पून हीपफुल मैंने अचार लिया है। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो बेशक आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन इससे इन बैंगन का जायका बहुत ही बेहतरीन तैयार होने वाला है। यहीं पर मैंने करीब 3 बड़े टमाटर लेकर रफली चॉप कर लिए हैं। मैं आपको सामान दिखा चुकी हूँ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। साथ में हमें जो ज़रूरत है वो है मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल मैं करीब लेने वाली हूँ 1.5 कप, जिसे हम पहले ही पका करके तैयार कर चुके हैं और मैंने उसे ठंडा करने रखा है। तो अब हम आलू बैंगन बना लेते हैं। देखिए, ये मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल हमने पहले ही पकाकर थोड़ा ठंडा होने रख दिया था, जिससे एकदम से, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को खूब ज़्यादा पकाना पड़ता है जिससे उसकी महक निकल जाए, इसलिए मैंने इसे ठंडा किया था कि फिर एकदम से हम मसाला डालेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं और उठने लगेगा। तो अभी मैंने दोबारा गैस ऑन किया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर और सारे मसाले एक एक करके हम डालना शुरू करेंगे। यहीं पर अदरक लहसुन का पेस्ट, यहीं पर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट, और ये हमारा अचारी मसाला भी चला गया। यहीं पर मैं डाल रही हूँ अचार, सारा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। खूब अच्छी तरह हमें इसे भून लेना है। मसाला हमें खूब अच्छी तरह भूनना है। ऑयल हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप चाहें तो कम डाल सकते हैं, जितना आप डालना चाहें उतना भी आप ऐड कर सकते हैं ऑयल। देखिए, यहाँ पे मैंने मसाला हम भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पर हम सारी सब्ज़ी डाल चुके हैं आलू बैंगन की, और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चमचे से धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे कर लेंगे हम, जिससे मसाला सारी जगह अच्छी तरह लग जाए। देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से आलू और बैंगन सब मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि सब्ज़ी पूरी तरह गल ना जाए, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि बैंगन थोड़े ज़्यादा गले हुए हों, जो घुला घुला सा हमें अच्छा इसका टेस्ट आए, एकदम मिक्स हो जाए मसाला अच्छी तरह से। तो हमें कुछ इस तरह से पकाना है बैंगन को। करीब 20 मिनट हो चुके हैं बैंगन को हल्की आंच पर पकते हुए, हम खोलकर देख लेते हैं।
ये देखिए, चम्मच चलाकर देखेंगे, थोड़ा सा फ्लेम फुल पर कर दिया, पानी हो रहा है इसमें। और बिल्कुल इसी तरह का मैंने गलाना था इसको, इसी तरह से पकाना था। ये देखिए बैंगन एकदम घुल चुके हैं। आप चाहें तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह इसको ऐसे ही लिक्विड में रखूंगी। थोड़ी सी ग्रेवी हो तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखूंगी मैं। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए तैयार है हमारी ये बैंगन की सब्ज़ी, इसे हम गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ती से। रसेदार और बहुत ही अच्छी बनती है ये इस तरह से, आप भी इसे ट्राई करें। रोटी या नान के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।